नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नोर स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है MHI 1 का चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर पर्शियन एम्पायर के बारे में है और मुझे पूरी आशा है कि इस चैप्टर को सुनने के बाद आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी देखने की भी ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक से दो बार सुन लें और कोशिश करें तो एक बार गो थ्रू कर लें चैप्टर को, तो आप देखेंगे सारा का सारा टॉपिक मैंने एक लाइन बाय लाइन कवर कर रखा है ऑलमोस्ट, और बेस्ट फॉर्म में एज अ समरी आप तक पहुंचा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले कि चैप्टर में स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें आगे बढ़ने में, थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पर्शियन एम्पायर का फ्रेंड्स जो कंसेप्ट है वो अकामेनिड डायनेस्टी से रिलेटेड है ना। तो इसमें जो सबसे ग्रेट एम्पायर, ग्रेट रूलर माना जाता है, वो माना जाता है साइरस द ग्रेट को। पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा था फ्रेंड कि वो आपका इंडस नदी से लेकर के ईस्ट में है ना, और वेस्ट में वो मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ था। तो आप सोच के देखो कितना बड़ा था वो, कितना वास्ट एम्पायर था वो, और आगे चल के इसमें इजिप्ट वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। तो ये मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा था। ग्रीस का भी कुछ एरिया, एशियाटिक ग्रीक्स वगैरह जो था वो पूरा का पूरा कवर हो गया था इसके अंडर में। तो बहुत ही बड़ा वास्ट एम्पायर था। और ये कौन से ज़माने में था, ये था सिक्स सेंचुरी BC की बात है, मिड ऑफ द सिक्स सेंचुरी BC की, मतलब अराउंड 550 BC के आसपास की बात है, जब इंडिया में भी आपका मौर्य एम्पायर, मगध एम्पायर राइज पे था, उसी समय ये भी राइज पे आता है। तो अकामेनिड एम्पायर के बारे में जानते हैं धीरे धीरे। अकामेनिड एम्पायर जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सबसे पहला ग्रेट रूलर था कौन, साइरस। बट साइरस के बारे में जब हम देखते हैं तो साइरस भी एक चीफ था। उससे पहले जो इस एरिया में राज कर रहे थे वो कौन थे, मीडियन स्टेट के एस्टाइज करके रूलर था। एस्टाइज रूलर को इसने एक तरीके से तख्ता पलट करके हटाया और पावर को हासिल किया। अब जब इसने पावर को हासिल किया तो इसने सिर्फ क्राउन ऑफ मीडियन नहीं अपनाया, इसने किंग ऑफ पर्शिया का टाइटल अपनाया, ठीक है। और आने वाले अपने 30 साल के राज में इसने जितने भी बड़े अम्पायर थे आसपास के, जैसे लीडियन अम्पायर, बेबलोनियन अम्पायर, इन सबको जीत के अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया। अब इनके टाइम में वेस्ट एशिया में उस समय एक बहुत बड़ा अम्पायर होता था जो कि जिसको हम लीडियन अम्पायर बोलते हैं, लाइटियन अम्पायर भी कह सकते हो आप। ये एक बहुत ही मेजर पावर था एंशंट एनाटोलिया में। एंशंट एनाटोलिया फ्रेंड आप बोल सकते हो आज का वेस्ट एशिया, ठीक है, सॉरी आज का टर्किश रीजन जो है उसको बोल सकते हो। साथ ही जो लाइडिया का था एम्पायर, वो टर्की के साथ साथ, आज का टर्की के साथ साथ कुछ एक ग्रीक के सेटलमेंट्स में भी था, जो ग्रीक का कोस्टल एरिया वो भी इसके अंडर आता था। तो सीरियस ने अटैक किया वहाँ पे, और उस समय लाइडिया का रूलर था क्रोसस, उसको 545 में इन्होंने हरा के अपना कब्जे में ले लिया। अब ये जो अम्पायर था नया, इसमें बहुत सारे किंगडम्स थे है ना, और अलग अलग टाइप के लोग थे, उनकी आर्मी में भी अलग अलग टाइप के लोग थे। तो हर किसी का अलग अलग बिलीफ था है ना, अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग लैंग्वेजेस थी इतने बड़े एम्पायर में। तो जो सीरियस था वो बहुत ही मतलब उदार व्यक्ति था। उसने मतलब ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं तो किसी की सुनूंगा नहीं और मैं अपनी चलाऊंगा, डिक्टेटरशिप चलाऊंगा, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही काइंड टाइप का वो लीडर था, और वो दूसरों के कस्टम्स और रिलीजन्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता था। जिस एरिया को भी जीता वहाँ भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट करता था।
एक इंस्क्रिप्शन में उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया है कि मैं किंग ऑफ बेबलोन का हूँ, किंग ऑफ सुमेर भी हूँ और अक्कड़ भी हूँ। अक्कड़ मीन्स किंग ऑफ फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर साइरस की डेथ हो जाती है अराउंड 529 BC में एक बैटल में, और उसके बाद उसका बेटा आता है कौन, कैम्बाइसिस। तो कैम्बाइसिस का रूल 529 BC से लेकर के 522 BC तक चलता है, और एक छोटा ही था राज, और क्योंकि कैम्बाइसिस को भी विरासत में बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, थोड़ा सा एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की। और इसके ज़माने में सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंट स्टेट था वो था इजिप्ट। तो इसने इजिप्ट पे अटैक किया 525 BC में और इजिप्शियन आर्मी को हरा दिया एट द बैटल ऑफ पेलूसियम। सॉरी फ्रेंड्स, से थोड़ा सा, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पेलूसियम के बैटल में इजिप्शियंस की हार होती है, तो इजिप्शियन आर्मी हार जाती है। तो ग्रीक्स ने लेकिन कैम्बाइसिस के बारे में लिखा है कि वो अपने पिता के तरह उदार व्यक्ति नहीं था, और वो जो लोकल कस्टम्स थे और जो लोकल का बिलीफ्स था उनकी इज्जत नहीं करता था और उसमें बिलीव नहीं करता था, है ना, ऐसा ग्रीक्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया कि कम्बाइसिस जब इजिप्ट जीतता है तो उसने वहाँ के लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से पावर को अटेन किया, और यहाँ तक कि वहाँ के टाइटल्स और कॉस्ट्यूम्स भी फ़ारो की तरह पहना उसने, ठीक है। इवन इजिप्शियन हिस्ट्री में उनको जो अखमेनिड अम्पायर आया तो उसको 27th डायनेस्टी की तरह वो देखते हैं इजिप्शियन अपने उसमें, ठीक है। इससे पहले वाली जो थी उसको 26th डायनेस्टी बोलते थे, वो साइथ डायनेस्टी थी। बट हुआ क्या कि इसके बाद कैम्बाइसिस ने और अंदर जाने की कोशिश की अफ्रीका में, डेजर्ट एरियाज में, जो कि उसकी आर्मी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और धीरे धीरे उसकी हार होने शुरू हो जाती है इन एरियाज में। और यही नहीं, जब वो बाहर था और इन कैंपेन्स में था तो पीछे से रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं, सॉरी, तो रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं उसके पीठ पीछे, तो वो फाइनली उसको वापस आना पड़ता है। लेकिन जब वो ऑल ऑफ अ सडन उसकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है 522 BC में, है ना, और इसके पीछे कोई रीज़न मेंशन नहीं है हिस्ट्री में कि क्या था, कैसे उसकी डेथ हुई, कहाँ पे हुई, ये मेंशन नहीं है। बट इस बारे में ये सामने आता है कि हाँ, उसके पीठ पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी फारस में, ईरान में मतलब, और डेरियस वन आता है उभर के सामने और उसने सत्ता हड़प ली, कू कर लिया, और इस घटना को बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी ऑफ सेवन। एक डेरियस खुद था, डेरियस वन खुद था, और 6 लोग और मिलकर के ये सत्ता हड़प लेते हैं। तो जब डेरियस वन सत्ता में आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा एम्पायर में उथल पुथल मची हुई थी, तो उसने सबसे पहले क्या किया, रिवोल्ट्स को जा जा के क्रश किया पूरे एम्पायर में जा करके, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद फिर उसने, फिर वो अपना एक्सपेंशन भी करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाता है। तो हम देखते हैं कि उसने क्या क्या अचीवमेंट्स एज अ रूलर किए, मतलब एक्सपेंशन वगैरह किस तरीके से किया उसने, पहले हम वो देख लेते हैं। तो डेरियस वन जब रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में सफल हो जाता है, उसके बाद फिर वो यूरोपियन एक्सपेडिशन करता है, यूरोप जीतने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में वो सबसे पहले स्टार्ट करता है साइथियन से, और फिर उसने थ्रेस जीता, साइथिया जीता, बहुत सारे एजियंस के नॉर्दर्न सिटीज जीती, मैकाडोनिया तो बिल्कुल ही बिना किसी लड़ाई के ही हार मान लिया, जो एशियाटिक ग्रीक्स थे और ग्रीक के आइलैंड्स थे एजियन सी में वो भी सबमिट हो जाते हैं पर्शियन रूल को 510 BC में। और जो ग्रीक के एरिया थे उसको डेरियस वन क्या करता था, गवर्नर्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता था, और उनको अपनी तरफ बनाए रखने के लिए ग्रीक्स को, क्योंकि ग्रीक्स से हमेशा इनका 36 का आंकड़ा चलता था, तो ग्रीक्स को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, जो लोग प्रो ग्रीक्स प्रो पर्शियन थे, जो ग्रीक्स प्रो पर्शियन थे उनको उसने हाई पोजीशन दिया एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, ताकि वो उसका सपोर्ट, उनका
उनका सपोर्ट जीत सके। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ग्रीस बहुत बड़ा था, वहाँ बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे जैसा कि आप जानते हैं। तो जो ग्रीक के बड़े सिटी स्टेट्स थे जैसे एथेंस, स्पार्टा, वो लोग लगातार पर्शियंस से मतलब लड़ते रहे और उनके मैटर्स में इंटरफेयर करते रहे। और जो आयोनिया में ग्रीक्स थे, लेडिया में ग्रीक्स थे, उनको सपोर्ट करते रहे पर्शिया के अगेंस्ट में। यहाँ तक कि एरिट्रिया और एथेंस ने लगातार आयोनियन रिवोल्ट को सपोर्ट किया, इवन शिप्स भी भेजे आयोनिया के पास, लेकिन पर्शियन मिलिट्री और नेवल ऑपरेशंस ने इन सारे रिवोल्ट्स को दबा दिया। एथेंस और स्पार्टा में तो यहाँ तक था कि जो भी एंटी पर्शियन था वो बहुत पावरफुल थे, और जो प्रो पर्शियन एरिस्टोक्रेट्स थे उनको तो देश निकाला ही दे दिया गया एथेंस और स्पार्टा से। अब ये सब देखते हुए ना डेरियस को बहुत गुस्सा आया कि यार ये हमारे अगेंस्ट हैं एथेंस और ये स्पार्टा। तो उसने एथेंस के सबक सिखाने के लिए एक बार 20,000 की आर्मी भेजता है। उस आर्मी ने एरिट्रिया कैप्चर कर लिया, फिर आगे फर्दर मूव करते हैं, लेकिन पर्शियन आर्मी को मुंह की खानी पड़ी। एथियन आर्मी ने भयानक तरीके से उनको हराया, और इस तरीके से जो उसका ड्रीम था यूरोप में सत्ता करने का वो टूट जाता है। फिर इसी बीच डेरियस वन की डेथ हो जाती है 486 BC में। उसका बेटा आता है जेरजेस आता है, फ्रेंड सॉरी अगर मैं गलत स्पेलिंग कर रहा हूँ, तो जेरजेस आता है नेक्स्ट उसका बेटा सत्ता में। और उसने क्या किया, अकामेनिड एम्पायर को और स्ट्रांग बनाने के लिए रोड्स बनाई, कैनल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए। उसने भी ग्रीक्स के खिलाफ खूब सारे एक्सपेडिशंस किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि एनाटोलिया ही वेस्टर्न बॉर्डर बना रहा हमेशा से अकामेनिड एम्पायर का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अगर हम देखें, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, रीऑर्गेनाइजेशंस की है इसने, तो जैसा कि आप जानते हो ये इतना बड़ा एरिया था उनके एम्पायर का, जैसे कि आप देख रहे हो एशिया माइनर, आर्मेनिया, पैलेस्टाइन, सीरिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्दर्न अरेबिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, मैकेडोनिया, पार्ट्स ऑफ इंडस वैली भी थे। तो इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल काम था। तो डेरियस वन ने क्या किया, इसको 20 प्रोविंसेस में बांट दिया, और हर प्रोविंस का एक जो हेड होता था वो कौन था, उसको बोला जाता सत्रापिस। और ये सत्रापिस नहीं, सॉरी, हर प्रोविंस को बांट दिया गया जिसको बोला जाता सत्रापिस, और इनको हेड करता था सत्राप, और सत्राप को अपॉइंट कौन करता था, किंग खुद करता था। नॉर्मली ये जो सत्राप होते थे वो उनके अपने ही फैमिली मेम्बर्स होते थे, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स थे जो उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। एक तो डेरियस खुद था, 6 और थे, तो इन्हीं 6 के कुछ ना कुछ मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स थे। अब डेरियस को लगा कि यार ये जो पूरा मामला है, आए दिन रिवोल्ट हो जाते हैं, तो इनको एक यूनिटी करने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसने टैक्सेशन का इस्तेमाल किया, है ना, कि टैक्स लगाते हैं हम इनको लोगों को, तो इससे टैक्स कलेक्ट होगा तो और हम स्ट्रांग होंगे। तो उसने सत्राप्स वगैरह अपॉइंट किए। सत्राप्स का काम था कि वहाँ से ट्रिब्यूट भेजना किंग को, है ना, ट्रिब्यूट मतलब टैक्स कलेक्ट करके भेजना था उसका काम, इनका काम। तो जो लिस्ट ऑफ सत्रापिस है वो हमें कैटलॉग में मिलती है, हेरोडोटस के कैटलॉग में मिलती है, और एक और जगह हमें मिलती है बिहुस्तन के इंस्क्रिप्शन में भी मिलती है हमें, ठीक है। अब ये कुछ नाम दिया हुआ कि कौन कहाँ का था, तो ये लिस्ट हमें हेरोडोटस के उससे मिलती है, प्लस आपके कहाँ ब्यूस्टन के इंस्क्रिप्शन से मिल जाती है। अब ट्रिब्यूट्स जो पे होता था वो किस फॉर्म में होता था, सिल्वर और गोल्ड टैलेंट, टैलेंट के फॉर्म में पे किया जाता था, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि उस समय टोटल ट्रिब्यूट सत्राप्स जो भेजते थे वो लगभग लगभग 15,000 सिल्वर तलाब तलंत के बराबर था। तो मेजॉरिटी ऑफ जो सत्राप्स थे वो पर्शियन थे और मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ही थे, जैसा कि हमने मैंने अभी बताया आपको। इन प्रोविंसेस को सब प्रोविंसेस में बांट दिया गया और उनके भी गवर्नर चूज कर दिए गए।
अब ये गवर्नर जो थे उनको कौन चूज करता था, या तो रॉयल कोर्ट खुद चूज करता था या सत्राप खुद चूज करता था। डेरिस ने क्या किया कि इन सत्राप्स पे नजर रखने के लिए उसने रॉयल इंस्पेक्टर्स रखे, है ना, फिर उसने एक कमीशन बैठाया जो कि जाके इवेलुएट कर सके कि एक्चुअली सत्राप को कितना खर्चा चाहिए वहाँ पे, अपना एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर सकता है वहाँ से। एक कमीशन बनाया, फिर उसने हर सत्राप के पास एक सेक्रेटरी छोड़ा ताकि वो उन पे नज़र रख सके, है ना, और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, डेरिस के पास बता सके। एक ट्रेजरर छोड़ा उसने, फिर गैरिसन कमांडर था जो कि ट्रुप्स पे नज़र रखता था। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने पूरा कमांड ऑफ चेन अपने हाथ में रखी। हालांकि ये लोग थे वहाँ पे, बट फिर भी कमांड अपने हाथ में थी उसके। फिर अकामेनिड एम्पायर इतना बड़ा था और उसकी कैपिटल पेरिस पोलिस थी। आप फ्रेंड्स एक बार पेरिस पोलिस जरूर सर्च करके देखिए, ये देखिए पेरिस पोलिस, ये बहुत ही बढ़िया है। ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है, आप उसको सर्च करके देखिए, ईरान में इसमें वीडियो भी अवेलेबल है, आप प्लीज़ देखिए कितना भव्य बनाया हुआ था। तो आप देखेंगे, मैंने भी देखा है ये वीडियो। तो आप बोलोगे तो मैं एक कोशिश करूँगा कि मैं अपना वीडियो में लिंक डाल दूँ उस वीडियो का, ताकि आप देख सकें इसको क्लिक करके। तो इनकी कैपिटल थी पेरिस पोलिस, और लेकिन हर कुछ कैपिटल से नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना बड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक हेडक्वार्टर्स खोल दिए। कहाँ कहाँ खोले थे इंपीरियल हेडक्वार्टर्स इन्होंने? सूसा में, बेबीलोन में, बैक्ट्रिया में, इकबटाना में, सार्दिस, डेसाइलम एंड मैम्फिस में। तो ये सारी जगह क्या था, एक तरीके से लोग जा कर के वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को कर सकते थे। जैसे आज के डेट में एम्बेसीज खोलते हैं, उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि एम्बेसीज थी ये, हर किसी को कैपिटल आने की ज़रूरत नहीं थी। फिर सिस्टम ऑफ क्वाइनेज के बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या था सिस्टम ऑफ क्वाइनेज। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दुनिया में जो क्वाइन का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करने वाले लाइडियंस थे। हालांकि उसी समय में इंडिया और चाइना में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। तो जब पर्शियंस ने लाइडिया जीता तो ऑब्वियस था वो सिस्टम इनके पास भी आ गया। तो इनके उस समय में सिल्वर और गोल्ड के सिक्के चलते थे, और ये सिक्के बहुत ही आर्टिस्टिक होते थे, एक तरीके से इनको मिनिएचर वर्क ऑफ आर्ट माना जाता था। और जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको बोला जाता था दारियाक, और सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था सिग्लोस। और ये स्टैंडर्ड मॉनेटरी स्टैंडर्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ 515 BC में। अब जो गोल्ड कॉइन्स या डारियाक थे वो जो डेरियस ने इंट्रोड्यूस किया वो 8.05 ग्राम का होता था, और सिल्वर सिंग्लोस जो था वो 5.4 ग्राम का होता था। और यही नहीं, डेरियस ने इसके लिए एक एक्सचेंज रेट भी फिक्स कर लिया कि 1 डेरियाक इक्वल टू 20 सिग्लोस, मतलब एक जो गोल्ड कॉइन है वो 20 सिल्वर कॉइन के बराबर था। ठीक है, तो अब डेरियस को एक और चीज का एहसास हुआ कि इतना बड़ा अंपायर है हमारा, तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, उसी से अंपायर का यूनिटी बनेगी, कोहेशन बनेगा, लोग इकट्ठा रहेंगे। तो उसने स्टैंडर्डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, वेट्स और मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया। फिर उसको लगा इतने बड़े अंपायर में हर कोई अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता है, ये भी सही नहीं है, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्ट होता है। तो उसने न्यू स्क्रिप्ट को कोशिश की डेवलप करने की, है ना, कि इससे क्या होगा कि बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा। स्क्रिप्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड। फिर उसने एक नया सिस्टम शुरू किया था अपने राज में कि ट्रैवल ऑथराइजेशन का सिस्टम शुरू किया था, जिससे कि कोई अगर पूरे राज में घूमना चाहे तो वो ट्रैवल ऑथराइजेशन ले सकता था किंग से, सत्राप से, या किसी और अदर ऑफिशियल से, और वो चाहे तो कहीं पे भी जाके प्रोविजंस का सामान ले सकता था वो अपना ऑथराइजेशन दिखा करके। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में। अभी हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, वही बात आ गई। क्योंकि इनका अंपायर इतना बड़ा था फ्रेंड कि हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी और कस्टम्स भी अलग अलग था, तो बहुत मुश्किल होता ऐसी जगह में राज करना जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हों। तो डेरियस ने क्या कहा,
काम किया कि उसने स्टैंडर्ड लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, और क्योंकि उस ज़माने में आरामाई की एक ऐसी लैंग्वेज थी जो उस इलाके के ज़्यादातर लोग बोलते थे, तो उसने आरामाइक लैंग्वेज को ही एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। हालांकि हर कोई नहीं बोलता था, बट फिर भी मैक्सिमम लोग यूज़ करते थे, इसलिए उसने आरामाइक लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर दिया। हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज आरामाइक तो थी, लेकिन साथ में जो एलिट्स लोग थे वो लोग पर्शियन यूज़ करते थे, फॉर इंस्क्रिप्शन या रॉयल प्रोक्लामेशन ये सब के लिए वो पर्शियन ही यूज़ करते थे। कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे हमें तीन तीन लैंग्वेज का इस्तेमाल मिलता है, जैसे कि बेहिस्टन इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमें तीन तीन लैंग्वेज का रिटन फॉर्म मिलता है। तो आरामाइक नॉर्मली कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी और पर्शियन एलिट्स वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, अब रिलीजन के बारे में बात करें फ्रेंड, तो रिलीजन का ऐसा था कि ईरान में पहले से ही जोरास्ट्रनिज्म था। जोरास्ट्रनिज्म ईरान में ऑलमोस्ट 700 BC के अराउंड ही आ चुका था, जब वहाँ पे प्रॉफेट जाराथुस्ट्रा थे प्रॉफेट, जिन्होंने 700 BC में इसको पॉपुलराइज किया था, और बहुत सारे लोग ईरान में इस जोरास्ट्रनिज्म को फॉलो करते थे, और एक तरीके से ये स्टेट रिलीजन बन चुका था वहाँ का। और जोरास्ट्रनिज्म का मतलब होता है कि वर्शिप ऑफ अहुरा माजदा। अहुरा माजदा मीन्स द सुप्रीम डिवाइन अथॉरिटी। तो सायरस और उसके बेटे के बारे में तो नहीं पता चलता कि वो किस को फॉलो करते थे, उसके बारे में तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन हाँ डेरियस वन के बारे में क्लियरली पता चलता है कि वो जोरास्ट्रनिज्म को फॉलो करता था, और उसने अपने इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है बेहुस्टन के इंस्क्रिप्शन में कि ही बिलीव्स ही इज चूजन बाय अहुरा माजदा टू बी द किंग। तो और इसीलिए वो जो भी रिबेलियन होता है उसको क्रश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी ड्यूटी है टू सर्व कॉज ऑफ गॉड। लेकिन ऐसा नहीं था कि डेरियस दूसरे रिलीजन्स के प्रति सख्त था, वो दूसरे रिलीजन के प्रति भी वैसे ही अपने प्रेडिसेसर्स की तरह बहुत ही उदार था, और वो दूसरे रिलीजन्स के गॉड्स को रिस्पेक्ट भी करता था। ये ग्रीक इंस्क्रिप्शन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि वो रिगार्ड करता था ग्रीक गॉड अपोलो का। तो नॉर्मली अकामेडिड एम्पायर जितने भी थे, अकामेडिड रूलर्स जितने भी थे, उनका बहुत ही लिबरल एटीट्यूड था अपने सब्जेक्ट्स की तरफ, और वो बहुत ही टॉलरेंट थे रिलीजियसली। किसी को भी उन्होंने परसिक्यूट नहीं किया, मतलब किसी को भी इसलिए नहीं मार दिया कि हाँ वो किसी और रिलीजन में बिलीव करता है या किसी और फेथ में बिलीव करता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर लास्ट टॉपिक, तो काफ़ी टाइम तक चलता रहा, सेंचुरीज तक चलता रहा, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक तो इनका राज चलता ही रहा अकामेनिड एम्पायर का। लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था, रिवोल्ट्स होते रहते थे, और प्रोविंसेस में भी रिवोल्ट होते रहते थे, और जो लोकल थे वो करप्ट हो गए थे, तो इसका असर दिखने लग गया था। जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमज़ोर होने लग गई थी, और जब टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अचानक ही अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 334 में एनाटोलिया में अटैक किया। उस समय डेरियस 3 रूलिंग एम्पायर में थे, और उसने कोशिश की कि उसको सीरिया में रोक सके अलेक्जेंडर को 330 BC में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, और बैटल ऑफ गोगा मेला में डिफीट होती है और अलेक्जेंडर जीत जाता है इस चीज़ को। और अलेक्जेंडर ने क्या किया, जो एकामेनिड एम्पायर की कैपिटल थी पेरेस्पोरिस, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा समरी के फॉर्म में अच्छे से समझा दूँ एक एक टॉपिक। अगर आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो इसको, आप पाओगे मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। हाँ कुछ एक चीज़ें मेरे को जो वर्थ नहीं लगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने नहीं मेंशन की है, बट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा दूँ। हो सकता है फ्रेंड आपको एक बार सुन के नहीं समझ में आया अच्छे से, तो आप 2 बार सुने, और अगर एक बार किताब गो थ्रू कर लें तो और भी बेटर हो जाएगा। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।